हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जूल नियम की। जूल नियम, जैसा कि बच्चों हम सब जानते हैं, ए इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और ई अवस्था फलन है और एक यथायथ अवकलन है। तो इस पे यथायथ अवकलन नियम लगाने पे हमें पता है हमें क्या मिलेगा, डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी। एक बार टेम्परेचर के साथ कर देंगे, एक बार वॉल्यूम के साथ हो जाएगा। देन डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड डी वी। अब देखिए बच्चों, टेम्परेचर के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किसको बताता है, सी बी को, मतलब स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा, सी वी, जो कि किसके किसके बराबर होती है, आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है। तो हम इस पद को क्या कह सकते हैं, इस पद को हम सी वी कह सकते हैं। तो क्या बन जाता है अपना इक्वेशन, डी इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी टी डी वी। ये जो पद है, इस पद का अपन प्रायोगिक रूप से इसका निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन इस पद की जानकारी के लिए क्या क्या करना होता है, इस पद की जानकारी के लिए मतलब आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसको देखने के लिए जूल ने नियम दिया। तो जूल के नियम को समझाने के लिए सबसे पहले जूल ने एक प्रयोग किया। प्रयोग क्या था, उसने सबसे पहले एक थर्मोस्टेट पात्र लिया। थर्मोस्टेट मतलब इस पात्र, ये पात्र अपने बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकता है, और इसमें क्या भरा हुआ था, वाटर भरा हुआ है, और नीचे की तरफ दो बल्ब है जो कि एक स्टॉप कोर्क से जुड़े हुए हैं। ये एक स्टॉप कोर्क हो गया जिससे ये जुड़े हुए हैं, बल्ब ए और बल्ब बी। ए बल्ब पूरी तरह से गैस से भरा हुआ है और बी बल्ब क्या है, निर्वात है, बिल्कुल खाली है। और इस पात्र में एक तरफ तो लगा हुआ है सेंसिटिव थर्मामीटर और एक तरफ लगा हुआ है विडोलक, जिससे कि इस जल को हिलाया जाता है। जब जूल ने स्टॉप कोर को खोलकर एक गैस से बी गैस की तरफ गैस को प्रसारित होने दिया, स्टॉप कोर खोला और ए जो बल्ब ए में गैस भरी हुई थी उसको बी बल्ब में प्रसारित होने दिया, और इसका टेम्परेचर, जल का टेम्परेचर जब उसने नोट किया तो जल के टेम्परेचर में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया, मतलब किसी भी तरीके का इन बल्ब गैस के प्रसार होने में किसी भी तरीके की ऊष्मा का इसने उपभोग नहीं किया। तो मतलब ऊष्मा का परिवर्तन नहीं हुआ तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि इसमें गैस के प्रसार होने में किसी तरीके का ऊष्मा में परिवर्तन नहीं हुआ। और चूंकि यहां पर देखिए प्रसार कार्य किसके विरुद्ध हो रहा है, निर्वात के विरुद्ध हो रहा है, और निर्वात के विरुद्ध यदि कोई काम होता है तो वर्क हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो डब्ल्यू भी क्या हो गया यहां पर, जीरो। आगे देखिए, चूंकि ताप भी स्थिर आया है, जब थर्मामीटर में ताप को स्थिर देखा गया तभी तो क्यू बराबर जीरो हुआ, और इसी तरह ताप में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो डी टी भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अपना जो ये पद हो गया, प्रथम लॉ क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स का, डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। चूंकि क्यू भी जीरो है, डब्ल्यू भी जीरो है, तो डेल ई भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अपना ये जो वाला पद था, जो अपन ने इसमें ई इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम टेम्परेचर में अपन ने ये वाला जो पद देखा था, उसमें ये पद भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे, डेल ई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी इज इक्वल टू जीरो। अब लेकिन यहां एक देखने की बात है, आयतन में तो परिवर्तन हो रहा था क्योंकि बल्ब ए से बल्ब बी में गैस का प्रसारित हुई है, तो गैस के आयतन में परिवर्तन हुआ है, तो डी वी तो जीरो नहीं हुआ है, तो क्या कौन सा पद जीरो हो गया, अपने पास जो पद जीरो हुआ है वो निकलता है डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर, यह क्या होता है, ये पद जीरो होता है। लेकिन ये जो लागू होता है वो केवल और केवल आदर्श गैसों पे लागू होता है, किस पे लागू होता है, केवल और केवल आदर्श गैस पर। तो यदि गैस का समतापी प्रसार किया जाता है तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अतः जूल के नियम के अनुसार किसी ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है। मैंने पहले बताया था कि आदर्श गैस पर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा निर्भर नहीं करती है, क्योंकि आदर्श गैस के कणों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण बल होता ही नहीं है। यदि आकर्षण बल होता तो उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती और ऊर्जा लेना पड़ता, तो उस कंडीशन में जो जल का तापमान में कमी आती, लेकिन यहाँ जल के तापमान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई, तो उस कंडीशन में आदर्श गैस के कणों में किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं था जिसको तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती। इसलिए प्रसार क्या होता है, बिना किसी आकर्षण बल के कणों के मध्य आकर्षण बल न होने के कारण मुक्त प्रसार होता है। इसी वजह से जल के तापमान में कोई कमी नहीं आती है, अतः आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन ये जो नियम लागू होता है केवल और केवल आदर्श गैस के लिए लागू होता है। जो वास्तविक गैसें होती है, वास्तविक गैसेज के लिए डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, हमेशा इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन में मतलब आदर्श गैसों के लिए डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू 0 नहीं होती है, हमेशा 1 से ज्यादा होती है या शून्य से ज्यादा होती है। यहाँ पे शून्य से ज्यादा होती है, मतलब हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, मतलब कभी भी 0 नहीं होती है, 0 से हमेशा इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। और इस पद को हम बोलते हैं आंतरिक दाब, आंतरिक दाब या इंटरनल प्रेशर। तो इंटरनल प्रेशर आदर्श गैसेस के लिए तो क्या हो जाएगा, 0, और वास्तविक गैसेस के लिए 0 से अधिक होता है, मतलब धनात्मक होता है। अब वास्तविक गैसों के लिए डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इस पद को निर्धारित करने के लिए जूल गुणांक का उपयोग किया जाता है। जूल गुणांक आगे देखिए। अब जूल गुणांक क्या है, जूल गुणांक है स्थिर आंतरिक ऊर्जा के साथ आयतन के साथ तापमान में परिवर्तन की दर। स्थिर आंतरिक ऊर्जा के साथ आयतन के साथ तापमान में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, जूल गुणांक। और इसको किसके द्वारा डिनोट करते हैं, म्यू जे के द्वारा। ये हो गया जूल गुणांक। चूंकि ई इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और ये एक यथायथ अवकल है, अवकलन समीकरण है, इसलिए इसका यथायथ अवकलन का चक्रीय नियम लगाने पर अपने हमें क्या प्राप्त होता है, डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस सी वी म्यू जे। इस इक्वेशन की सहायता से हम वास्तविक गैसों के लिए क्या प्राप्त कर सकते हैं, डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसका मान हम प्राप्त कर सकते हैं किसके लिए, वास्तविक गैसेज के लिए। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, फर्स्ट हमने सबसे पहले देखा कि आदर्श गैसों के लिए डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मतलब इंटरनल प्रेशर का वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, मतलब आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल किसका, ताप का फलन है, आयतन का नहीं है, और यही जूल नियम कहलाता है। गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का ही फलन है, ये जूल नियम कहलाता है। और सेकंड हमने देखा कि वास्तविक गैसेज के लिए इंटरनल प्रेशर का जो वैल्यू होती है वो 0 से अधिक होती है, अर्थात धनात्मक होती है, और वास्तविक गैसेज के लिए ये वैल्यू निर्धारित करने के लिए फिर जूल गुणांक का उपयोग किया जाता है। जूल गुणांक क्या होता है, जूल गुणांक स्थिर दाब पर इस आयतन के साथ तापमान में परिवर्तन की दर को दिखाता है। जूल गुणांक को म्यूजे बोलते हैं। और जब ई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, लेकिन आदर्श गैसेज के लिए क्या होता है, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो हम बोल देते हैं कि आदर्श गैस पे ही ई इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। लेकिन वास्तविक गैसेज की बात करते हैं तो इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये यथायथ अवकल समीकरण है। और जब इसका चक्रीय नियम लगाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है,
डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस सी वी म्यू जे। और इसकी सहायता से, इस समीकरण की सहायता से वास्तविक गैसों के लिए डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का मान ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।